हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम लोग डीसी हाइड्रोलिक पावर पैक बेस्ड पिस्टन सिलेंडर का यूज लिफ्टिंग एप्लीकेशन में किस तरीके से करते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट और उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसका कंट्रोल डायग्राम देखेंगे। इस इमेज में आप हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज देख सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसका यूज ट्रक के बैक साइड को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है और ये पावर पैक है जो कि आपके सिलेंडर के पिस्टन को अप या डाउन करता है। अभी ये अप डाउन किस तरीके से होता है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज किया जाता है और हाइड्रोलिक सिलेंडर होता क्या है तो वो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर एक एक्चुएटर है जो कि लीनियर मूवमेंट क्रिएट करता है और ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है और इसका यूज एक्चुएटर, ट्रक, फोर्कलिफ्ट, ट्रैक्टर, एरियल प्लेटफॉर्म और माइनिंग इक्विपमेंट में किया जाता है। और यहाँ पे आप एक हाइड्रोलिक सिलेंडर का इमेज देख सकते हो जिसमें कि एक पिस्टन है और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी इस सिलेंडर में एक हाइड्रोलिक पोर्ट है जिसमें कि आप प्रेशर से हाइड्रोलिक ऑयल को पंप करेंगे। जब इसमें आप प्रेशर से हाइड्रोलिक ऑयल को पंप करेंगे तो पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन स्ट्रोक। सिमिलरली जब इस पोर्ट को आप फ्रीली छोड़ दोगे तो ये पिस्टन बैक साइड में मूव करेगा स्प्रिंग टेंशन की वजह से और इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। और ये सिलेंडर जो है इसमें एक पोर्ट है, इसके लिए इसको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोलिक सिलेंडर बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जिसके बारे में हमने देखा जिसमें कि एक पोर्ट है। जब आप इस पोर्ट में हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशर से पंप करेंगे तो सिलेंडर का पिस्टन अप डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली जब इस पोर्ट को आप फ्रीली छोड़ देंगे तो ये ऑयल ड्रेन आउट होगा और पिस्टन रिटर्न डायरेक्शन में मूव करेगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट वन और पोर्ट टू। पोर्ट वन में जब आप प्रेशर से हाइड्रोलिक ऑयल पंप करोगे तो पिस्टन डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली पोर्ट टू में जब आप ऑयल प्रेशर से पंप करोगे तो पिस्टन अप डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी इन दोनों सिलेंडर का यूज अलग अलग एप्लीकेशन में किया जाता है। जहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज वर्क नहीं होता है वहां पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सुटेबल है। सिमिलरली जहाँ पे प्रिसाइज वर्क होता है वहां पे डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज किया जाता है। अभी हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोलिक पावर पैक विद सिलेंडर का यूज करके हम फॉर्कलिफ्ट को अप डाउन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑयल टैंक है और जो कनेक्ट करता है एक पंप मोटर से, और जब पंप मोटर से ऑयल आपके सिलेंडर के पोर्ट में पंप आउट होगा तो आपका पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये होता है एक्सटेंशन फॉरवर्ड। सिमिलरली जब आपके पिस्टन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है तो इस केस में आपके पोर्ट को डायरेक्टली ऑयल टैंक से कनेक्ट करना होता है। इस केस में ऑयल ड्रेन आउट होगा और स्प्रिंग टेंशन की वजह से आपका पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग पिस्टन को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर का एक कंप्लीट सेट है जिसका यूज करके फॉर्कलिफ्ट को आप अप और डाउन मूवमेंट में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक टैंक है जिसमें कि ऑयल फिलअप रहता है। इसी तरीके से ये एक डीसी मोटर है जिसमें एक पंप अटैच है और इसका काम ऑयल को पंप आउट करना है। सिमिलरली ये कंट्रोल वॉल्व है जो कि ऑयल के फ्लो को रेगुलेट करता है और यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर है और इसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग रिमोट है। तो इसका वर्किंग किस तरीके से वो हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम से। तो यहाँ पे एक ऑयल टैंक है और एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है। सबसे पहले एक फिल्टर होता है, फिल्टर से कनेक्टेड एक पंप होता है और पंप को ऑपरेट करने के लिए डीसी मोटर का यूज किया जाता है। इसके बाद एक नॉन रिटर्न वॉल्व यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा बट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में नहीं आएगा। यहां से एक हाइड्रोलिक पाइप आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर के पोर्ट में
कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ से एक पाइप आपके रिलीफ वॉल्व में कनेक्ट होता है और रिलीफ वॉल्व से एक पाइप आपके टैंक में रिटर्न आता है। और रिलीफ वॉल्व का काम होता है कि पंप के प्रेशर को रेगुलेट करना है। अगर आपके पंप के प्रेशर को कम ज्यादा करना है तो आप मैकेनिकली रिलीफ वॉल्व से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोलिक सिलेंडर से ऑयल को ड्रेन करने के लिए एक ड्रेन लाइन होगा। ड्रेन लाइन में आपका एक फिल्टर होगा, फिल्टर के बाद एक सोलनॉइड वाल्व, और सोलनॉइड वाल्व के बाद फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप सोलनॉइड को एक्चुएट करेंगे तो ऑयल का फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एक ये मैकेनिकल सिस्टम है जिससे कि ऑयल के फ्लो को आप रेगुलेट कर सकते हैं। अभी रिमोट में दो पुश बटन होंगे, एक अप पुश बटन एक डाउन पुश बटन। इसका वर्किंग किस तरीके से होता है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन, हमको सिलेंडर के पिस्टन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो इसके लिए हम लोग अप पुश बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अप पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आपका डीसी मोटर ऑन हो जाएगा। डीसी मोटर ऑन होगा तो पंप ऑन हो जाएगा और ये ऑयल को यहां से पंप करके सिलेंडर की तरफ लेके जाएगा। तो ये हो गया अप मूवमेंट। इस कंडीशन में ऑयल फिलअप होगा सिलेंडर में और सिलेंडर का पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गया अप मूवमेंट। सेकेंड कंडीशन में आप कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं करोगे। इस कंडीशन में होगा क्या कि जितना भी ऑयल इस सिलेंडर में फिलअप है वो उसी कंडीशन में रिटेन करेगा, क्योंकि ऑयल किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिटर्न वॉल्व है तो ऑयल यहाँ से ड्रेन आउट नहीं होगा। सिमिलरली ये सोलनॉइड ऑफ है तो ऑयल यहाँ से भी ड्रेन आउट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका सिलेंडर जो है फिक्स पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। थर्ड कंडीशन में डाउन मूवमेंट है, तो डाउन मूवमेंट के लिए डाउन का पुश बटन प्रेस करेंगे। डाउन का पुश बटन प्रेस करते ही सोलनॉइड वॉल्व ऑन हो जाएगा और इस केस में आपका ऑयल यहां से ड्रेन होना शुरू करेगा और सोलनॉइड वॉल्व के थ्रू आपके ऑयल टैंक में फिलअप होगा। इस कंडीशन में हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो पिस्टन है वो बैक डायरेक्शन में मूव करेगा और ये हो गया आपका डाउन मूवमेंट। यहाँ पे आप समझ सकते हो जब आपका डीसी मोटर ऑन रहेगा और सोलनॉइड वॉल्व ऑफ रहेगा तो आपका पिस्टन अप डायरेक्शन में मूव करेगा और ये हो गया अप मूवमेंट। सिमिलरली जब आपका मोटर ऑफ रहेगा और सोलनॉइड वॉल्व ऑन रहेगा तो इस केस में आपका पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और ये हो गया डाउन मूवमेंट। अभी इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डायग्राम में एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है और इसको चार्ज करने के लिए एक बैटरी चार्जर है जो कि बैटरी को चार्ज करेगा और ये 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक अप पुश बटन है, एक डाउन पुश बटन है। अप पुश बटन जब प्रेस करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा और रिले जब ऑन होगा तो रिले का एनो कॉन्टेक्ट एनसी बनेगा और आपका मोटर ऑन हो जाएगा। इस केस में आपका सिलेंडर अप डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली जब आप डाउन का पुश बटन प्रेस करेंगे तो सोलनॉइड वॉल्व ऑन होगा और आपका पिस्टन जो है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और ये कहलाएगा डाउन मूवमेंट। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोलिक पावर पैक बेस हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज करके फॉर्कलिफ्ट को अप डाउन किस तरीके से किया जाता है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।